दोस्तों, टाटा मोटर्स इंडिया की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नो डाउट ईवी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दोस्तों, अगर आप आज इंडियन रोड पे देखते हो तो वहाँ पे आपको टाटा की कार ही इलेक्ट्रिक की मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले टाटा ने अपनी कब लॉन्च करके मार्केट में एकदम धमाल मचा दिया और नाउ द टाटा हैज़ बीन लॉन्च अविन्या, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, ये कार इसलिए अमेजिंग है कि इससे पहले आपने इंडियन मार्केट, मैं तो कहूँगा होल वर्ल्ड में, ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह एकदम डिफरेंट है। दोस्तों, अविन्या जो वर्ड है वो संस्कृत शब्द से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इनोवेशन, और टाटा की ये कार अपने नाम को बिल्कुल पूरी तरह जस्टिफाई करती है। टाटा का ये जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और फ्यूचरिस्टिक है, वो इसलिए क्योंकि जो इसकी DRL फ्लोटिंग लाइट है वो एक टी शेप का लोगो बनाती है। जैसे आपको पता है कि नॉर्मली आपने टाटा की जो बैजिंग देखी होगी वो क्रोम की होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे आपको जो बैजिंग मिल रही है वो एक ल्यूमिनस लाइट से मिल रही है, यानी एक टी शेप का लोगो मिल रहा है। और यही चीज़ सेम पीछे भी टेल लाइट में देखने को मिलती है। टेल लाइट में भी आपको एक फ्लोटिंग लाइट मिलती है जो कि टी शेप का लोगो बनाती है। इससे ये पता चलता है कि डिज़ाइन करने वाले ने कितने परफेक्शन से डिज़ाइन किया। जैसे ही आप इस कार के अंदर एंट्री करते हो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि जनरली जहां आपको आदत है कि किसी महंगे कार के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने की, वहां यहां एकदम उल्टा हो जाता है। दोस्तों, यहां डैशबोर्ड पे बड़ी बड़ी स्क्रीन ना होके एक लंबा सा साउंड बार दिया गया। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब आप ये सोचोगे कि इस गाड़ी का नाम अविन्या यानी इनोवेशन है, इसमें तो काफ़ी हाईटेक वाली स्क्रीन होनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होनी चाहिए, बिल्कुल फॉरेनर फिल्मों की तरह। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको लंबा साउंड बार मिलता है, ना कि स्क्रीन्स। दोस्तों, टाटा का ऐसा मानना है कि जो स्क्रीन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब टाटा ये नहीं चाहता कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अपने फैमिली के साथ जो क्वालिटी ऑफ टाइम बिता रहे हैं उसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। इस वजह से उन्होंने स्क्रीन से रिप्लेस करके यहाँ पे साउंड बार लगा रखा। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको काफ़ी सारे जो कार के इन्फॉर्मेशन जानने हैं वो आपको हैंडल के बीच में जो स्पोक्स वाली जगह होती है वहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है जो आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगली बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो ये फीचर है कि जैसे ही आप एंट्री करते हो इसका जो डोर है वो एक बटरफ्लाई शेप का है। टाटा इसे बटरफ्लाई शेप कहती है, और जैसे ही आप एंट्री करती हो तो उसका जो ड्राइवर सीट है वो आपको वेलकम करता है। यार, ऐसा फीचर तो मैंने रॉयल रॉयस, जो कि एक लग्जरी कार है, उसमें भी नहीं देखा होगा। अब दोस्तों, यही नहीं, आपको इसके हेडरेस्ट पे भी स्पीकर मिलता है। टाटा अविन्या के इंटीरियर में आपको एरोमा डिफ्यूजर जैसा फीचर मिल जाता है, जिसका फ़ायदा यह है कि आपकी केबिन के अंदर एक ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू आएगी, जिससे आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, टाटा अविन्या का जो रूफ है वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ है, और जो कि ऐसा फील होता है कि ये विंड स्क्रीन से इंटीग्रेटेड है। अब दोस्तों, इस कार का जो नाइट का व्यू होगा ना इंटीरियर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि हम एक वर्चुअल दुनिया में आ गए, और ऐसा फील होगा कि तारे बस हमारे सर के ऊपर हो गए। वो गाना आपको याद आएगा कि नीले गगन के तले। कार की सबसे बड़ी USP है वो ये है कि ये मात्र एक 30 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज तय कर लेती है, जो कि सीधा का सीधा एलन मस्क की टेस्ला को कम्पीट करती है। दोस्तों, अभी तो ये इसका कॉन्सेप्ट वर्जन है, 2025 में इसका फाइनल प्रोडक्शन वर्जन आएगा। दोस्तों, इसकी जो कीमत रखने वाली है वो कुछ लगभग 30 लाख के आसपास होने वाली है। दोस्तों, ये कार जब 2025 में आएगी तो वाकई में इंडियन मार्केट में एक माइलस्टोन साबित होने वाली है, और जो दूसरे कार मैन्युफैक्चरिंग है ईवी सेक्टर में, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। का टाटा अविन्या के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।